और हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया की अकेली शख्सियत स्वर्गीय नेहरू जी के पास, जिन्होंने तीसरी बार शपथ लेने का काम लगातार सफलता के साथ। माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे तो दो प्रकार की शपथ ले रहे थे, एक संवैधानिक शपथ जो इस देश के महामहिम से राष्ट्रपति दिलवा रहे थे, एक दूसरी भी शपथ होती समय वो ले रहे थे, मैं अगर प्रधानमंत्री बना हो तो मेरे काम करने की दृष्टि क्या होगी, मेरी आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी। और वह शपथ उन्हें नरेंद्र नाम का एक दूसरा नौजवान दिला रहा था, नाम था नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद। विवेकानंद बोल रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री ने मन में ही उनके शब्दों को दोहरा रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा विवाह, कि मेरी संपत्ति, कि मेरा जीवन मेरे व्यक्तिगत भोग विलास के लिए या इंद्रिय सुखों के लिए हुआ है, मेरे व्यक्तिगत सुख के लिए हुआ है। मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा यह समाज उस विराट महामाया की एक छाया मात्र है। मैं नहीं भूलूंगा भारत के जितने भी नागरिक हैं, अशिक्षित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, मैं भारतवासी हूं और यह सारे नारत भाई के सारे नागरिक भारतवासी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनका सुख और दुख हमारा और सुख और दुख होगा। मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कि जब तक यह जीवन है यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है और भारत का कल्याण ही हमारा कल्याण है। और इसी सपने को लेकर के मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, जिस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शुरू किया, हम गर्व के साथ कहते हैं आज से 2024 तक वो यात्रा उनकी अनवरत जारी है। एक जमाने में रामधारी सिंह दिनकर ने, आज माननीय वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे, आज से 7 साल पहले लिखा था देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, कुछ समझ नहीं पड़ता, रहस्य क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा है, धरती के सब पेड़ दीन दुर्बल है, गमलों के ही पेड़ सुदम्य सुदल है, जिस तक जब तक है यह वैषम्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा, सबसे पहले यह दुरित मूल काटोरे, समतल पीटो खाइया खड्ग पाटोरे, बहुपाद बटों की सिरा सोर छाटोरे, जो मिले अमृत सबको समान बाटोरे। माननीय पूर्व वित्त मंत्री भारत का भाषण दे रहे थे, वर्तमान की नीतियों के बारे में बता रहे थे। 1960 में रामधारी सिंह दिनकर भारत की स्थिति के बारे में बखान कर रहे थे, वर्तमान से कोई इनका संबंध ही नहीं हो, 65 साल इन्होंने राज किया है, 65 सालों के रहते हुए रामधारी सिंह दिनकर की स्पीड़ा को किंचित मात्र भी इन्होंने अगर बदला होता तो शायद ये बातें इन्हें आज दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी होती। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब सत्ता पर आए तो उनकी प्राथमिकता थी, देश का गरीब हमारी प्राथमिकता होगी, देश का नौजवान हमारी प्राथमिकता होगी, देश की बहनें हमारी प्राथमिकता होगी, देश का किसान हमारी प्राथमिकता होगी। और हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं जितनी नीतियां उन्होंने बनाई, हम नाम पर नाम ले सकते हैं, उनकी उपलब्धियों को गिना सकते हैं। पहली बार जब वो जनधन योजना लेकर के आए थे, आप तो नहीं ला पाए 65 सालों में, आप तो इस बात की चिंता नहीं कर पाए कि इस देश में 53% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। आभारी होना चाहिए इस देश को, हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस बात को तय किया कि भारत का एक भी नागरिक जिसके पास एक पैसा नहीं होगा, हम उसे बैंक तक पहुंचाएंगे, बिना ब्याज के पहुंचाएंगे, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलेंगे, उसके अकाउंट में 5,000 रुपया डालेंगे, उसे बचत करने की कला सिखाएंगे, उस देश के विकास में उसकी हिस्सेदारी करेंगे। पीछे बैठकर 65 सालों में आपने अपने देश की नागरिकों को मजबूर किया, बहनों को गांव के अंधेरे में शौचालय में जाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए आप इस मंच पर खड़े होकर आज भाषण देते हो। महिलाओं की जो बेइज्जती आपने 65 साल में इस देश में की है, और अब भारत संघ के साथ डूबेगा, आपको एहसान होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस देश में स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत का कोई भी महिला, भारत की कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा आज अपने घर से निकल करके रात के अंधेरे में सड़कों पर जाने के लिए शौचालय के लिए बाध्य नहीं हो सकता। आपको शर्मानी चाहिए, 65 साल आप सत्ता में रहे, 3,70,00,000 सिर्फ ऐसे घर थे जिनके घर आप पीने का पानी पहुंचा सके। शेष आप बात करते हैं आधे लोगों की, आप 140 करोड़ की जनसंख्या बताते हैं, 140 में 3,70,00,000 घरों को आपने पीने का पानी पहुंचाया था। आपको आभारी होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने शुरू किया जल जीवन मिशन, जिनके नेतृत्व में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 14 करोड़ घरों में हमने पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। आपको शर्म नहीं आती, इस देश की 90% जनसंख्या इलाज नहीं करा पाती थी, चिकित्सा तक उसकी पहुंच नहीं होती थी, इलाज कराने में वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती थी, उसके घर बिक जाते थे, उसकी जमीनें बिक जाती थी, आप उसकी चिंता नहीं करते थे। चिंता अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसने तय किया इस देश का कोई भी गरीब पैसे की कमी के नाते मरेगा नहीं। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, 50 करोड़ नागरिकों को आच्छादित किया गया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछले 5 सालों के अंदर 7,34,00,000 लोगों ने अस्पताल में महोदय, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट करता हूँ, यह रिपोर्ट है स्टैंडर्ड अप्रूवल। चुनाव जब चल रहा था, चुनाव का निर्णय आने वाला था, 29 मई को यह रिपोर्ट आई थी।
ये छोटी मोटी संस्था नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने भारत की रेटिंग बढ़ा दी। 2009 में भारत की रेटिंग BBB BBB- थी आपकी सरकार थी। 2012 में भारत की रेटिंग BBB- थी आपकी सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में आए, आते ही मान रेटिंग 4 महीने के अंदर बदल गई, BBB- से BBB स्टेबल हो गई। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं 29 मई 2024 को घोषणा किया स्टैंडर्ड पुअर ने और भारत की रेटिंग BBB- स्टेबल से बदल करके BBB- पॉजिटिव कर दिया। और महोदय यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा करते हुए स्टैंडर्ड और पुअर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि भारत को मजबूत आर्थिक विकास ने भारत की ऋण ग्राह्यता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस सुदृढ़ आर्थिक ढांचे का आने वाले 2-3 सालों में विकास की गति पर बहुत प्रभावी असर पड़ने वाला है। उन्होंने लिखा, सरकार ने अपने खर्चे के स्वरूप और उसके वितरण को पूरी तरह से बदल दिया है और बढ़ता हुआ हिस्सा अब स्थापना विकास पर खर्च किया जा रहा है। आने वाले समय में यह भारत की जड़ता को समाप्त कर देगा और भारत को विकास की बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। उन्होंने लिखा, लगातार नीतिगत स्थायित्व से, गहराते हुए आर्थिक सुधारों से और उच्च दर के स्थापना सुविधाओं के निवेश से भारत लंबे समय तक विकास की संभावनाओं को बनाते रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पहला तमाचा जो आपके ऊपर है, जो आरोप हम लोगों के ऊपर आप लगाते हैं, उस कंपनी ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड की आपदा के बाद बहुत प्रभावशाली ढंग से वापसी की है। पिछले 3 सालों में भारत के वास्तविक आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्र में सर्वाधिक 8.1% की औसत से वृद्धि हुआ है। भारत एशिया पैसिफिक सर्वाधिक विकास आने वाले 3 सालों में यह विकास की दिशा और गति बनी रहेगी। भारत 7% के दर से विकास भारत के सकल घरेलू अनुपात में प्रभावी प्रभाव अध्यक्ष महोदय। दूसरा समाचार इनकी गाल पर मारा है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने और लिखा, यह उनके शब्द हैं, वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने अवस्थापना के विकास में 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अर्थात जीडीपी का 3.4%। और अगला वाक्य जो उन्होंने लिखा, हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे, हमारे अर्थशास्त्री नहीं कह रहे, स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने लिखा, आज से 10 साल पहले, किसकी सरकार थी ध्यान दीजिएगा, आज से 10 साल पहले खर्च से यह 4.5 गुना अधिक है और भारत इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अगली टिप्पणी क्या थी उनकी, आप ईपीएफओ को नहीं मानते, आपको एक निजी संस्था सीएमआई की रिपोर्ट समझ में आती है, आश्चर्य होता है, आप भारत के आईबीआई को वित्त मंत्री रहे हैं 7.5 साल, यहां बैठ करके इन्होंने शासन किया होगा, आरबीआई को नकारते हैं, उसी आरबीआई के सहारे ये वित्त मंत्री बने रहे होंगे, आज इतनी अनैतिकता है कि उसी आरबीआई के आधार पर इन्होंने ही गवर्नर बनाए होंगे, आज उसी आरबीआई की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। आरबीआई और ईपीएफओ रोजगार की बात करते हैं, 2017 के पहले यह सरकार रोजगार की गणना ही नहीं कराती थी, बैठे हैं, हिम्मत होगी तो खुली जवाब देंगे, 5 साल में एक बार रोजगार की गणना होती थी, मेरी रिपोर्ट लाई जाती थी, आज हम गर्व कर सकते हैं 2017 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया हर 3 महीने में भारत के रोजगार की गणना की जाएगी। ईपीएफओ के आंकड़े को आप निकालिएगा, स्टैंडर्ड ऑफ पुअर दुनिया की सारी संस्थाएं ये सीएमई के पार्टी आंकड़ों को नहीं मानती, ईपीएफओ के ही आंकड़े को मानती है और ईपीएफओ के आंकड़े को कोट करते हुए उन्होंने लिखा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है कि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, ईपीएफओ के आंकड़े से पता चलता है मजदूरों में शक्ति बढ़ी है, फॉर्मल रोजगार में 11.4% की वृद्धि हुई है, स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में भारत की मांग बढ़ने वाली है। और चौथी टिप्पणी, जीएसटी लाने वाले यही थे, लागू नहीं कर पाए, हमने लागू कर दिया, आज जीएसटी को विकास विरोधी बताते हैं। क्या कहा स्टैंडर्ड पुअर ने, जीएसटी की आलोचना करने वालों को सही जवाब दिया, भारत ने 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट किया और तब से इसका मीठा फल खा रहा है, 2024 में 11.7% की वृद्धि से 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी इकट्ठा हुआ है और यह राजस्व बढ़ता रहेगा और भारत का विकास बढ़ता रहेगा। अभी टिप्पणी कर रहे थे पीएलआई स्कीम पर माननीय पूर्व वित्त मंत्री महोदय, स्टैंडर्ड पुअर ने पीएलआई का उल्लेख किया है, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव का, उन्होंने लिखा, पीएलआई स्कीम ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और उसके कंपोनेंट पर बहुत अधिक धन आवंटित किया है, इससे भारत के उत्पादन सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ा है और बहुत ही विदेशी फर्में भारत की ओर आकर्षित हुई हैं। और उन्होंने लिखा, आपदा के काल में भारत की आप चिंता कर रहे थे ना फिस्कल डेफिसिट की,
2012-13 में जब आपने सरकार छोड़ी थी वित्त मंत्री, तो भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। आपको बहुत आंकड़े याद होते हैं ना, तो याद करिएगा 12-13 में भारत का एफडी 10.5, भारत का फिस्कल डेफिसिट 10.5% था। होगा तो आप खड़े होकर चुनौती दीजिएगा। उन्होंने लिखा भारत की फिस्कल डेफिसिट आपदा के काल में 9-13% थी, 2024 में 5.7% हुई, 2025 में 5.1% हुई, 2028 तक 4.5% होगी, और लगता है 2028 में यह घाटा घट करके 4.2% हो जाएगा। एक संस्था अध्यक्ष महोदय दूसरी इनकी बड़ी प्रिय है, जब इनकी सरकार थी 1991 में, उसी सरकार के उसी सत्ता के दबाव में इन्होंने क्या क्या पाप किए थे, इतिहास इसका गवाह है। भारत के इतिहास का वो सबसे काला दिन था अध्यक्ष महोदय, हमें से किसी भी नागरिक को नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, एक सरकार इन्होंने चंद्रशेखर जी के साथ चलाई, जैसे इनकी आदत है 4 महीने बाद उसको धोखा दे दिया। दूसरी सरकार इन्होंने नरसिम्हा राव की चलाई, जैसे इनकी आदत है बेचारे नरसिम्हा राव मरे, उनकी शव यात्रा निकली, कांग्रेस के कार्यालय के गेट पर आधे घंटे तक खुली खड़ी रही, इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री की लाश को अपने कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। इतिहास के पन्ने गवाह है, अध्यक्ष महोदय IMF मॉनिटरी फंड की रिपोर्टिंग है ये, भारत IMF ने भारत की मजबूत आर्थिक उपस्थिति की प्रशंसा किया। एशिया पैसिफिक के निदेशक कृष्णा श्रीनिवास ने कहा भारत के माइक्रो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर रही, 6.8% की विकास दर बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा, महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है। भारत सरकार वो संस्था कर रही जिसके दबाव में आपने भारत को गिर भी रख दिया था, मैं उस विषय पर आने वाला हूँ। महंगाई पर नियंत्रण हो रहा है, भारत को अपने इसको टारगेट के भीतर और लाना होगा। 2023 यानी पिछले महीने वित्त मंत्री बैठी थी, 2023 के दूसरे छमाही में हुई आर्थिक वृद्धि ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। भारत की मजबूर घरेलू मांग आर्थिक गति को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा भारत के विकास के अनुपात को बदलना होगा। अप्रैल में भारत की विकास दर 6.5 से बढ़ा करके उन्होंने 6.8 की थी। ये GDP को चुनौती देने बैठे हैं, 7 साल रहे हैं, इसी GDP को बनाते रहे हैं और इसी पर भाषण देते रहे हैं। और IMF ने कहा हम दोबारा भारत के अनुमान को बदल रहे हैं और भारत के विकास दर को 6.8 से बढ़ाकर 7 कर रहे हैं। और उपसभापति महोदय उन्होंने सिर्फ भारत का ही विकास नहीं बताया, उन्होंने पूरी दुनिया के विकास का खाका खींच दिया। अमेरिका की विकास दर 2.7%, जर्मनी की विकास दर 10.2%, फ्रांस की विकास दर 10.7%, इटली की विकास दर 10.7%, स्पेन की विकास दर 1.9%, UK की विकास दर 10.5%, जापान की विकास दर 10.9%, रूस की विकास दर 3.2%, ब्राजील की विकास दर 2.2%, मेक्सिको की विकास दर 2.4%, साउथ अफ्रीका की विकास दर 10.9%, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की विकास दर 7% का आंकड़ा IMF की संस्था ने दिया है। कौन है ये IMF? प्रमोद जी, 2091 में आप ही की सरकार थी, 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास नहीं था, 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास, मोदी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था, आपके पास पूरी की पूरी व्यवस्था फेल कर रही थी, आप मजबूर हुए, आपने 2 बार 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और सबसे घटिया काम किया, सोना गिरवी रखा तो रखा, अगर आपका दिल साफ था तो खुलेआम सामने रखते, चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया, और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, 1 बार 20 टन सोना, 1 बार 43 टन सोना, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे, 1 बार 20 टन सोना और 1 बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, एक बहुत नामी पत्रकार है शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से, उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया, तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है, और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया, 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना
भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खदानों में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे हाथी काकड़ों की, मैं भी इन्हें कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूँ। इन्होंने चर्चा किया ऋण के ऊपर, आज भारत का ऋण GDP का 85% है, मानता हूँ। पूरी दुनिया के क्या आंकड़े हैं? अमेरिका का ऋण 129% का GDP का है, जापान का ऋण 264% का है, इटली का ऋण 142% का GDP है, फ्रांस का ऋण 112% का GDP है, UK का ऋण 97% का GDP है, भारत का ऋण 85% का GDP है। पूरी दुनिया में भारत ने विकास भी सर्वाधिक गति से किया है और भारत की ऋणग्रस्तता भी पूरी दुनिया में उसके सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले सबसे कम है। और ये विकास हमने तब किया है अध्यक्ष महोदय, जब हम इस देश के नागरिकों से सबसे कम टैक्स लेते हैं। आप बात कर रहे थे इनकम टैक्स की, हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत अकेला ऐसा देश है, पूरी दुनिया का अकेला देश है जो पूरी दुनिया में अपने नागरिकों से सबसे कम का टैक्स लेने का काम करता है। ब्रिटेन अपने नागरिकों से 33% टैक्स लेता है, नॉर्वे 31% टैक्स लेता है, ऑस्ट्रेलिया 30% टैक्स लेता है, स्विट्जरलैंड 27.5% टैक्स लेता है, इजराइल 24% टैक्स लेता है, यूरोपियन यूनियन 26% टैक्स लेता है, जर्मनी 22% टैक्स लेती है, स्वीडन 21% टैक्स लेता है, अमेरिका 16.5% टैक्स लेता है। और हमने जो पूरी दुनिया में ऐतिहासिक विकास की गति पाई है वह सिर्फ 7.6% GDP का टैक्स सिर्फ और सिर्फ इसी टैक्स के आधार पर पाई। और अध्यक्ष महोदय, ये अभी रुकिए बैठिए सर, ये RBI की रिपोर्ट, ये RBI की मंत्री RBI की अधूरी रिपोर्ट पेश, आपस में बात नहीं, आपस में मैं पूरी रिपोर्ट पेश कर देता हूँ अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। 2011 में भारत के नागरिकों का नेटवर्थ GDP का 85.7% था, आंकड़े हैं, आपने कोट किया है, पढ़िएगा पूरी तरह। मार्च 2014 में 3 साल के कार्यकाल में यह 85.7% से घट करके 78.5% आ गया। 3 साल के अंदर आपने देश के नागरिकों की 7% पूंजी लूट लिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं मार्च 2014 में मोदी जी की सरकार आई और हमारा नेट फैमिली वर्थ 78.5% से बढ़कर के 97% को मिला करके हमने 19% अतिरिक्त पूंजी इस देश के नागरिकों के जेब में पहुंचाने का काम किया। 2014 में इनकी सरकार थी, प्रति व्यक्ति आय 86,000 थी, 86,000 आपके आंकड़े हैं वहां से, 50% नागरिक, 70% नागरिक। उस समय आंकड़ा देते थे तो आपको 50% और 70% नहीं दिखता था, उस समय आपको औसत दिखता था। 86,000 का आपने आय देकर छोड़ा था, आज भारत की प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, कहां आपने 86,000 पर छोड़ा था। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं आज भारत का आम नागरिक 2,12,000 रुपया कमाता है, 2,12,000 रुपए इस देश के प्रति व्यक्ति की आय है। और ये बात कर रहे थे गरीबों की, ये बात कर रहे थे देश की आर्थिक व्यवस्था की, ये बात कर रहे थे कि लोगों के पास धन नहीं है इस बात का कि वो बेचारे खर्च कर सके। मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, RBI को माने या न माने सरकार तो वो उसी से चलाते थे। RBI देश के पास कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च करती है, नागरिकों को अपने विकास का अंदाज कैसे लगता है, उनके पास पैसा नहीं है तो वो काम कैसे करते हैं, इसलिए वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स निकालते हैं। ये वही आंकड़े हैं जो अपनी सरकार में रहते समय ये भाषा दिया करते रहे होंगे, मैंने इनके चेहरे पर दिखा देता हूँ। ग्रामीण एरिया में 2 व्हीलर्स का सेल 21.3% बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, बिना पैसे के। 3 व्हीलर्स का सेल 12.3% बढ़ गया, आपने जेब में पैसा डाला था। ट्रैक्टर का सेल 3.7% बढ़ गया, आदमी के पास पैसा नहीं था तो वो ट्रैक्टर खरीद रहा था। टोल कलेक्शन 37.5% बढ़ा है पिछले एक साल में, 37.5%। ये गाड़ियां बिना पेट्रोल के चलती हैं, बिना डीजल के चलती हैं क्या, बिना आवंशक? आप बताते हैं कि हमने 5 लाख कितना किलोमीटर बताया आपने, 500,000 इन 1 month, माय गॉड, ही ओनली कैन मूव, नोबडी एल्स कैन मूव, ही ओनली कैन मूव। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ अध्यक्ष महोदय, टोल कलेक्शन 37% बढ़ गया, पैसेंजर व्हीकल का सेल 4.9% बढ़ गया, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक 6.6% बढ़ गई, डोमेस्टिक एयर कार्गो ट्रैफिक 6.7% बढ़ गई, इंटरनेशनल पैसेंजर्स 13.2% बढ़ गए, रेलवे फ्लाइट ट्रैफिक 10.1% बढ़ गई, होटल ऑक्युपेंसी 7% बढ़ गई, सीमेंट का प्रोडक्शन 10.6% बढ़ गया,
मकान नहीं बन रहे थे, निर्माण नहीं हो रहा था, तो सीमेंट क्या कर रहे थे महाराज? कभी तो इन आंकड़ों को देखने की कोशिश करिए। स्टील का प्रोडक्शन 19.1% बढ़ गया, ऑटोमोबाइल का सेल 18.2% बढ़ गया, कमर्शियल व्हीकल का सेल 3.5% बढ़ गया, जीएसटी का ई वे बिल 16.3% बढ़ गया, जीएसटी का कलेक्शन 11.4% बढ़ गया। और अध्यक्ष महोदय, नागरिकों के पास पैसा नहीं था, मकान की खरीद नागरिकों के बीच में 33% बढ़ गई, 33% अधिक लोगों ने इस साल मकान अतिरिक्त खरीदे हैं। ये कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है, आप देख नहीं पाते, देखना नहीं चाहते, जॉन्डिस्ट आई हैं आपके। ठीक है, ठीक है अध्यक्ष महोदय, इनका एक दूसरा आर्थिक आंकड़ा आता है, वो बहुत जरूरी है जानना, उस आंकड़े को कहते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इस बार इन्होंने अपने भाषण में नहीं कहा, पिछली बार जब ये खड़े हुए थे तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात कर रहे थे, इनका जवाब देते समय मैंने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, आज मैं सही आंकड़ा प्रस्तुत कर देता हूं। संसदीय अध्यक्ष महोदय, हाँ सत्य कह लीजिए, भ्रम कह जो चाहे कह लीजिए, अध्यक्ष महोदय, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का मतलब होता है विकास गति, समझ लीजिए, नहीं तो फिर उल्टा बोलेंगे ये लोग, समझाना भी तो जरूरी है ना, इसका मतलब होता है कि विकास पास एक मिनट समय है डॉक्टर अग्रवाल, अगर 50 से नीचे है इसका माने देश का विकास कम हो रहा है, अगर 50 से ऊपर है इसका मतलब देश का विकास बढ़ रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 24 घंटा तो आप बोलते हैं, कभी हम लोगों को भी बोलने का मौका दे दीजिए। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑस्ट्रेलिया का मूल्य है 47.2, जापान का मूल्य है 50, अमेरिका का मूल्य है 51, चीन का मूल्य है 51, यूके का मूल्य है 50, दुनिया का औसत है 50, और भारत का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 58.3% है। तो किस बात का द्योतक है अध्यक्ष महोदय? ऐसे ही एक सर्विस के क्षेत्र में मैनेजर इंडेक्स निकाला जाता है, पिछले भाषा में इन्होंने उसको भी, आपका समय खत्म हुआ, जो भी बोले बैठे हैं, मेरे नेता जी बैठे हैं, जितना समय देंगे आपको दूंगा, आदेश होते मान मैं बैठ जाऊंगा। ये भाजपा का समय है अध्यक्ष सभापति महोदय, एक सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, इस बार इन्होंने नहीं बोला क्योंकि थोड़ा पढ़ लिख लिए होंगे, जान गए होंगे कि पिछली बार झूठ बोल दिया था, मैं उसका आंकड़ा बता देता हूँ, कृपया रूस का हाँ झूठ सब हटा दीजिएगा अध्यक्ष उपसभापति महोदय, गर्ने बोलने के लो में आ गया होगा, मैं उसे वापस लेता हूँ। रूस का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विस क्षेत्र में 47.6, जापान का 49.4, यानी सब 50 से कम, ऑस्ट्रेलिया का तू जाके बलिया को बिहार के मुख्यमंत्री कहां बड़े झेला था इनके बेईमानन के लालू यादव और तेजस्वी के, जैसा पढ़ा लिखा आदमी गुलामी कर रहा था, समझे नहीं ऑस्ट्रेलिया 51%, चीन 51%, यूके 52%, यूएसए 53%। अध्यक्ष महोदय, भारत का सर्विस क्षेत्र का पीएमआई 60.5% है, दुनिया में अकेला। एक तीसरा आंकड़ा भी है जिसके बारे में पिछली बार ये नहीं बोले थे, कंपोजिट मैनेजर इंडेक्स, जापान 49.7। अब सुन नहीं रहे ये लोग, सुन सब रहे, ना सुनने का नाटक कर रहे हैं, सुन सब रहे, कान इधर कर लिए, आप अपने समय से अधिक बोल रहे हैं, पार्टी का अधिक समय ले रहे हैं डॉक्टर साहब। 49.7 रूस, 49.7 ऑस्ट्रेलिया, 50%, यूके 52%, पूरी दुनिया का औसत 53%, और भारत 60.9% का आंकड़ा। अध्यक्ष महोदय कुछ और बातें हैं, आप ऑलरेडी अपनी पार्टी जो तय पार्टी ने समय दिया था उसे आप अधिक बोल चुके हैं अध्यक्ष महोदय। कंक्लूड, दूसरा आर्थिक आंकड़ा निकलता है जिससे ये निकाला करते थे, इन्हें भी 7 साल वित्त मंत्री रहे हैं, हालांकि एक टुकड़े टुकड़े में रहे हैं ना, हमारी वित्त मंत्री तो लगातार है, एक कंटिन्यूटी है, ये बेचारे आते थे भगा दिए जाते थे, रह रह करके रहते थे, इसलिए अस्थायी तो नहीं आ पाता था इनका, हमारे वित्त मंत्री का अस्थायी तो है 7 साल का। प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का असेसमेंट किया गया है, सारे के सारे आंकड़े तैयार हैं अध्यक्ष महोदय, रियल GDP 6.8, IMF मांगेगा, स्टैंडर्ड पुअर मानेगी, भारत सरकार मानेगी, वर्ल्ड बैंक मानेगी, भारत के लोग मानेंगे, नहीं मानेंगे तो यही बेचारे नहीं मानेंगे। रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 6%, ग्रास फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 8.6%, ग्रास वैल्यू एडेड 6.6%। और अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में CAD करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5% था,
हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारी वित्त मंत्री ने कल बजट प्रस्तुत किया और हमारा सीएडी 4.5% से घट करके 10.7% पर आ गया है। एक और आंकड़ा ये लोग निकलवाते हैं अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री है ना, ये भूल गए होंगे, याद करा देना जरूरी है, याद करा देना जरूरी है इनको अध्यक्ष महोदय। हाँ, अपने जमाने का सब याद रहता था लंबे लंबे ये लोग। चलिए अध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना तो हम अपने उत्तर भारत के लोग थोड़ा दबदब से जाते हैं, जरा हिंदी में सुन ले और हिंदी में जवाब दे देंगे। आरबीआई ने कैलकुलेशन किया तो दे ली उनके नवाई मनोज झा के, उनके देख पड़ी करंट सिचुएशन इंडेक्स, भारत का करंट सिचुएशन इंडेक्स जो रोजगार के आधार पर बनता है, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बनता है, मूल्य के आधार पर बनता है, आय के आधार पर बनता है और नागरिक के खर्च करने की क्षमता के आधार पर बनता है। 100 के मुकाबले इसका मूल्य है 97.1%। और एक साल बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, इन विशेषज्ञों के मन में आज से आने वाले एक साल के बाद भारत आर्थिक रूप से कैसा मजबूत होगा, उसके लिए वो लोग निकालते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। और अध्यक्ष महोदय, 100 के इंडेक्स में भारत का मूल्य 124.7% है। ये गरीबी की बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये वर्ल्ड बैंक एक जमाने में गुलामी करते थे ना, उसी के इशारे पे नाचा करते थे ना, ये पर कैपिटा इनकम से गरीबी देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया, गरीबी से उठे थे ना वो, उन्हें मालूम था गरीबों की आय अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो भी आर्थिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती, सामाजिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती, शैक्षणिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती। उसकी जेब में पैसा होता है लेकिन विभिन्न सामाजिक पूर्वाग्रहों के नाते इन सुविधाओं को वो खरीद नहीं पाता। इसलिए आपने गौर किया होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के अमीर बनने का इंतजार नहीं किया, उनकी जेब में पैसा आएगा तब वो ये सुविधा पाएंगे इसका इंतजार नहीं किया। 4 करोड़ मकान बना के दे दिए निःशुल्क दे दिया, घरों में शौचालय दे दिया निःशुल्क दे दिया, घर में फ्री बिजली दे दिया निःशुल्क दे दिया, इलाज का इलाज करा दिया निःशुल्क दे दिया, गैस दे दिया निःशुल्क दे दिया, और फिर आय बढ़ा करके 80,000 से बढ़ा करके 86,000 से बढ़ा करके अध्यक्ष महोदय 2,12,000 कर दिया। मैं समाप्त कर रहा हूँ। और ये नीति आयोग की आलोचना कर रहे थे, क्या करें, ये प्लानिंग कमीशन चलाया करते थे, ये अपने मुख्यमंत्रियों को चपरासियों की तरह प्लानिंग कमीशन के चपरासी के सामने घुटने टेकवाया करते थे। हमारी सरकार आई तो हमने तय किया, हम फेडरल कोऑपरेशन पर विश्वास करते हैं, हम प्रधानमंत्री हैं तो हमारा मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश का सम्मानित अधिकार है, हम अपने अधिकारियों को, हम अपने प्रधानमंत्रियों को, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को आईएएस और पीसीएस के अधिकारियों के सामने अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के हर मुख्यमंत्री के सम्मान की रक्षा की है। नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अध्यक्ष महोदय, जो यह बताता है कि पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ 10 लाख लोगों को सिर्फ गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया है। जीवन की जितनी जरूरतें होती है ना, आप लोग तो अमर सेन के बहुत बड़े भक्त हैं ना, क्योंकि वो भाजपा के विरोधी हैं, अमर सेन का गुड़गाते हैं आप लोग ना, अमर सेन भी लेकर के आए थे इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को, आपने नहीं लागू किया क्योंकि आपका चेहरा बेनकाब हो जाता, आपने नागरिकों को सुविधाएं दी नहीं थी, खाली फर्जी पर कैपिटा बताया करते थे, इसलिए आपने इस देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कभी नहीं लागू की। भारत के प्रधानमंत्री ने काम किया था, नागरिकों तक सुविधा पहुंचाई थी, चुनाव चुनौती के साथ उन्होंने कहा जब तक एक एक नागरिक के चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, गांधी जी का वो सपना पूरा नहीं होगा कि जब तुम नीतियां बनाते हो तो यह देखो कि तुम्हारी नीतियों से गरीबों के आंसू साफ होते हैं या नहीं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ 10 लाख नागरिकों के आंखों से आंसू पूछे। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता था। थैंक यू।